सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग ठीक हो। तो हम फिलहाल आए हैं कंगा सराय परथुम बटिया पर। तो यहाँ शादी का महोत्सव चल रहा है, तो हम यहाँ वीडियो बनाना है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा वीडियो विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। जो माला हो चुका है, तो अठमंगरा की तैयारी की जा रही है। तो आइए चलते देखते हैं अठमंगरा में क्या क्या होता है, उसके बारे में जो हम आपको जानकारी देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अठमंगरा में जो जो पूजा होता है वो पंडित जी इस लड़के अनुसार वो पूजा करवा रहे हैं। बाकी जिस तरह देखिए मंत्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं पंडित जी, इस तरह से मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो जिस तरह से सरकार मंत्र पढ़ रहा है उस तरह से लड़के को बीत करना पड़ रहा है, जिस तरह से बता रहे उस तरह से उसको बीत करना पड़ रहा है। तो देखिए हमारे वीडियो में बने रहिए, तो दिखाते हैं किसी तरह का मंत्र पढ़ा जा रहा है। जो देखिए तो फ्रेंड, बाकी जो एक भी था वो तो पूरा हो गया है, बाकी दूसरे भी के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड, बाकी जो दूसरा बीज है वो आप देख रहे हैं किस तरह से पंडित जी बीज पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और इस तरह से लड़का अपने आप में वो है इस तरह करने लग रहा है बीज पूरा ही देख रहे हैं। तीसरे बीज में आप देखें लड़के का जो मोरी पहन के आता है उसको खोल के लड़की के तरफ से जो मोरी आता है उसको पहनाया जाता है। चौथी बीज में आप देख रहे हैं कि आठ वो आदमी जो शादीशुदा है वो धान में से चावल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक हाथ पकड़ के उखड़ी में से धान निकाल रहे हैं। ये 10-15 बार इसको मारने के बाद ही धान निकलता है, जोर लगा लगा के उखड़ी को समाज से पीट रहे हैं। उखड़ी में धान कितना है, किसी ने कूटा है, कितने आदमी कितना धान देना है। तो आठ आदमी ने धान कूटा है, तो इसमें से हर एक आदमी को दो दो धान सरकार के हाथ में चुन कर देना है। सिर्फ धान भूसा नहीं, धान ही धान देना है। और दो आदमी एक एक आदमी दो दो धान गिन कर सरकार के हाथ में धान को देंगे। तो सरकार है जो मंत्र पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने हाथ में चावल लिए हुए हैं। तो जब मंत्र पूरा खत्म हो जाता है तो लड़के के ऊपर चावल छिड़कना है, यही विधि व्यवहार होता है शादी ब्याह में। अठमंगला का जो भी था वो हो गया, मड़वा का भी बाकी है। तो अभी देखिए क्या होता है। Yeah, I'm not going to do that.
फ्रेंड जो सिंदूर देने वाला सिंदूर के लाज रखना सिंदूर दे मम्मी से बढ़ के दुल्हा दानी को प्यार।